Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big business ideas. सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, अपना रास्ता मुझे खुद बनाना है। और आपके व्यवसाय के आसमान तक पहुंचने वाले रास्ते पर एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका हमसफर। बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैफॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश की जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान देगा। लेकिन भारत में आज भी ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिन्हें अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। आज अगर कोई एंटरप्रेन्योर ऐसे ही किसी सेक्टर को एक्सप्लोर करके मेक इन इंडिया में सहयोग देता है तो सरकार से उन्हें क्या क्या सहयोग मिल सकते हैं, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज आइए। सुनील जी, आज हमारे देश में हम सभी लोग चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो करें। उसके लिए बहुत समय से लोग काम भी करते आए हैं, लेकिन आज एक नई चीज़ उभर कर सामने आई है और वो है मेक इन इंडिया। तो क्या कुछ इसके अंदर खास है और क्यों हमें ज़रूरत है मेक इन इंडिया की आज के समय में? पिछले सालों में अगर हम 13-14 की बात करें तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसकी ग्रोथ माइनस में हो गई थी, माइनस 0.7% हमारी ग्रोथ रेट थी। देश की जीडीपी बढ़े, उस जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बहुत जरूरी है जी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज रहता है, बहुत बड़ा परसेंटेज भी है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से बहुत सारी एक्टिविटी जुड़ी हुई है। जब एक फैक्ट्री लगती है किसी एक चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसकी जो बहुत सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज लगती हैं, बहुत सारे सर्विस यूनिट लगते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग यूनिट लगते हैं, तो एक इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री बिजनेस हाउसेस को, सर्विस सेंटर्स को, उन सबको जन्म देती जी, है तो वो उनका मूल बन जाती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया। अलग कैसे है ये, पहले से भी बहुत काम हो रहा है, कैसे अब मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग है ये? मैं जरूर बताऊंगा कैसे अलग है, क्योंकि देखिए ये जो नई कॉन्सेप्ट आई मेक इन इंडिया, इसके चार पिलर हैं जिसपे ये मेक इन इंडिया की पूरी कॉन्सेप्ट खड़ी है एक तरह से सोचा जाए तो। उनको अगर हम देखेंगे तो आप सचमुच कहेंगे ये इसमें नयापन है। तो उसमें क्या है, सबसे पहला अगर हम देखें तो है न्यू प्रोसेसेस। नए प्रोसेस का मतलब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया कि हर चीज का प्रोसेस नया जी। पहले जिस काम को शुरू करने में आपको 3 से 6 महीने लगते थे, अब उसको 1 से 3 दिन लगते हैं, तो न्यू प्रोसेसेस। दूसरा हो गया न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने, अब आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने शुरू हो गए हैं और स्मार्ट सिटीज बननी शुरू हो गई हैं, और आईटी के लिए हम एक बहुत बड़ा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम देश के कोने कोने में आईटी को पहुंचा सकें। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारे आईपीआर के पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट राइट थे, उनके लिए भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जिससे कि उसमें समय ना लगे। जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेसमैन है जो कि अब अपना कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, कोई नई इनोवेशन करता है, तो उसको कोई परेशानी ना हो उसको पेटेंट कराने में, उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में, टेकिंग ना हो कोई भी टाइम टेकिंग ना हो, और वो इजी भी हो और साथ में वो कंज्यूमर फ्रेंडली भी हो, तो उसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पूरा जी। तो वो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड पिलर हो गया। हाँ जी। और एक पिलर है इसमें न्यू सेक्टर्स जी। न्यू सेक्टर्स का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ने नए सेक्टर जैसे कि रेलवे में, डिफेंस में, फार्मा में 100% एफडीआई लागू कर दी। बिल्कुल। और साथ में 25 सेक्टर आइडेंटिफाई किए। ओके, कुछ और नए सेक्टर आइडेंटिफाई किए और उनमें बताया कि इन सेक्टर्स में हमारे देश में क्या ग्रोथ ड्राइवर हैं,
कि यदि डोमेस्टिक बिजनेसमैन या बाहर से कोई आके हमारे देश में इंडस्ट्री लगाता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा। चौथा है न्यू माइंडसेट। तो न्यू माइंडसेट चौथा जो है उसमें यह हुआ कि अभी तक क्या होता था, सरकारें जो थी वो एक रेगुलेटर का काम करती थी। वो ये बताने में रहती थी आपने ये नहीं करना, आपने ये गलत किया है, आपने ये गलत करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये होगा। तो उसने बोला कि अब हम पार्टनर बनेंगे, आप बताओ क्या करना चाहते हो, सरकार आपके सहयोग करेगी। तो माइंडसेट चेंज किया। तो इसमें मेरे को लगता है चारों पिलर्स में से चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेक्टर वाला पिलर है। हाँ। कि न्यू सेक्टर्स जो हैं जी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने बात कही कि मेक इन इंडिया के हमारे चार स्तंभ हैं, तो वाकई अगर देखा जाए तो हमारे अशोक चिन्ह की जो सिंह की दहाड़ है वो लोगों तक तभी पहुंच सकती है जब वो चारों स्तंभ पूरी तरह से स्ट्रांग हो। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि खास तौर पे वो जो नए सेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो ऐसे ही एक नए सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें बुला लिया जाए। जी बिल्कुल। दोस्तों आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत हमारे देश की एक छोटी सी जगह मुरादाबाद से की। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड किंगडम गए, और ख़ास बात यह है कि यूके में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने जब मैन्युफैक्चरिंग में अपनी इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचा तो आपने किसी और देश को नहीं बल्कि अपने देश भारत को चुना और यहाँ की मिट्टी को हर्बल की खुशबू से महकाया। प्लीज़ वेलकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जोवीज ग्रुप मिस्टर युवराज आहूजा। युवराज जी, आप हमारे देश के बहुत से युवा चेहरों में से एक युवा चेहरा है। मुझे ये जानकर हालांकि बड़ी खुशी और साथ ही अचरज भी हुआ कि एक और जहां हमारे देश का युवा आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर, वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है, वहीं पर आप भारतीय संस्कृति की जड़ों में वापस लौटे हैं, हर्बल की तरफ। कैसे ये सामंजस्य बैठा इसके बारे में हमें बताएं। जी बेसिकली 2002 में हमने कंपनी चालू करी थी। तो मेरे फादर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, तो उन्होंने प्रोफेशनल एक टीम साथ में लाए जिसने शुरुआत करी। तो हमने 2004 में जोवीज को लॉन्च किया 19 प्रोडक्ट्स के साथ। तो आज हमारे पास 150 प्रोडक्ट से ज़्यादा हैं, और उस टाइम पे हमारी विजन ये थी, मेरे फादर की विजन, फैमिली की विजन ये थी कि आयुर्वेदिक जो हमारा एंशियंट एक वो है जी, उसको हम साइंस से मिलाएं और एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जो कि कंज्यूमर्स को फायदा दे सके और एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे दे सके जी। तो ये सोच थी इसके पीछे। हालांकि ये नाम बड़ा खूबसूरत और कुछ अलग सा है, जोवीज, कुछ खास मतलब है इसका? इसका बेसिकली हमने इसको डिराइव किया है जोवियल वर्ड से। तो जो आप कस्टमर्स यूज करते हैं प्रोडक्ट उनको खुशी मिले, तो जोवियल नेचर से हमने उसको तो खुशियां बांट रहे हैं। हमने लोगों से बात की थी, उन्हें हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करके खुशी जरूर मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में एक डाउट है। उस डाउट के बारे में हम जरूर यहाँ बात करना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। 2015 में हर्बल इंडस्ट्री का बहुत अत्यंत विकास हुआ है। मैं अपनी त्वचा को इतना ग्लो रखने के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मैंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे मैंने अभी एलोवेरा जेल में यूज़ करती हूँ, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़रूर हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहूँगी और चूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे स्किन के लिए भी अच्छे हैं। मैं अपनी सेहत के लिए ग्रीन टी ही लेना पसंद करूँगी और ऐसे ही हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करूँगी। हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनकी डिमांड, मांग होती है कि हर्बल के प्रोडक्ट चाहिए हमें, मगर हर्बल के प्रोडक्ट इतने कॉस्टली होते जा रहे हैं कि जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर टूटते जा रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो एकदम नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना होता है, और उसकी कॉस्टिंग करने, जब उसका प्रोडक्ट ही महंगा आएगा तो उसमें कोई भी कंपनी मतलब अपना लॉस करके उसको सेल नहीं करेगी। पर कोई बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जो कि कम रेट में भी हर्बल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। आजकल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे आ रहे हैं जिनको गवर्नमेंट से भी एड मिल रही है, वो गवर्नमेंट से हेल्प लेके हर्बल प्रोडक्ट्स को, अगर हम आयुष इंडस्ट्री की बात करें अपने देश में, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उन लोगों को रीजनेबली एक अमाउंट में, कॉस्ट में लोगों तक पहुँचाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, ISI मार्क प्रोडक्ट्स, इन सब को खरीदे, जिससे हमें कम से कम ये एक भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये सरकार द्वारा टेस्टेड है।
तो दो तरह की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक तो कि हर्बल प्रोडक्ट्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं और दूसरी बात ये कि हर्बल प्रोडक्ट्स वाकई में सच में ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, इसकी पहचान के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, ये एक आम इंसान कैसे पहचाने। कॉस्टिंग के बारे में आपसे मैं ज़रूर बात करूँगी, पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे सर्टिफिकेशन को पहचाना जा सकता है। देखिए, हमारे देश में जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचेंगे उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारे देश में 1940 का, जिसके रूल्स बने 1945 में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, उसके तहत उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो जो उनकी टीम होती है ड्रग कंट्रोलर की, वो आती है और पूरा आपका पूरा प्रोसेस देखती है, कंटेंट देखती है और आपको सर्टिफाई करती है और आपको अलाउ करती है कि वो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचें। उसके बाद कंपनी की भी ड्यूटी बन जाती है कि वो वहाँ से टेस्ट कराने के बाद उसके और तरह के टेस्ट करें और अपने R&D पूरी करें पहले कि जो वो फायदा उस हर्बल प्रोडक्ट से पहुँचाना चाहते हैं कस्टमर को, वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उसका पहले R&D करें, बनाएं और फिर उसका प्रॉपर लाइसेंस जरूर लें। जी, तो वो प्रॉपर लाइसेंस लेकर उसे प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले करना भी जरूरी है। बिल्कुल, वो तो लिखना आजकल जरूरी है। जी, कोई भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर लिखा होगा। आपने जैसे कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, आप लोग उसका क्वालिटी चेक जरूर करें। जी, आप भी करते होंगे। आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों की वजह से और जो हर्ब्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से कॉस्टिंग शायद बढ़ जाती है एक आम इंसान के लिए? जो क्वेश्चन रेज हुआ था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है। जी, जो हमारे हर्ब्स होते हैं वो पहले से थोड़ा सा महंगे होते हैं। हमारा कलर कॉस्मेटिक्स नहीं, हर्बल कॉस्मेटिक्स है। तो इसमें जो हम टेस्टिंग भी करते हैं, वो सर ने जैसे बताया कि ड्रग ऑडिटर टेस्ट करता है, तो उसके अलावा कई तरीके के टेस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, बैक्टीरिया कंट्रोल टेस्ट, सैम्पलिंग। तो वो सारे टेस्ट के बाद ही हम प्रोडक्ट को मार्केट में निकालते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी हुई जरूर आती है, लेकिन उससे उनको फायदा जो पहुंचना होता है वो पहुंचता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारी जो विजन थी वो यही थी कि जो मार्केट में गैप है उसको हम फिल करें और कस्टमर को जो हम प्रोडक्ट पहुंचाएं वो ठीक प्राइस पे पहुंचाएं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम लोग इस तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की बात करते हैं, खास तौर पे जैसे अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करें वो स्किन केयर से रिलेटेड होते हैं, आज के समय में इंटरनेशनल मार्केट में इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट पूरे विश्व में इस समय अपना एक स्थान बना चुके हैं। जी, अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया है कि जो असली प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को सच में फायदा पहुंचाएगा लॉन्ग टर्म में, वो सिर्फ हर्बल है। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि जो हमारी इंडिया में कॉस्मेटिक मार्केट है, ये अगर टोटल मार्केट देखी जाए तो लगभग 45,000 करोड़ की मार्केट है ये। हमारे तो देश बहुत बड़ी मार्केट है। उसमें से अगर हर्बल देखें हम खाली तो वो लगभग 7,500 करोड़ की मार्केट है। ओके, तो बहुत सारा गैप है जिसे फुलफिल किया जाना है, जा सकता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा जरूर कि हर्बल जो कॉस्मेटिक है ये हमारे देश में लगभग 15% की रफ्तार से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। अगर हर्बल इंडस्ट्री हिसाब से बढ़ती रही तो 2050 में अगर आप देखेंगे तो शायद पूरे विश्व में सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट ही बिकेंगे। तो आपसे हम जरूर कहना चाहेंगे कि हर्बल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था, लेकिन ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आपसे भी हमारा यही अनुरोध होगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए एक बड़ा आयाम खोले खड़ी है। आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम ये बताएंगे कि किस तरह से हर्बल इंडस्ट्री हमारे देश को और आगे लेकर जा सकती है और आपके लिए बना सकती है एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भारत का विकास लाखों MSMEs की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर MSME के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज। हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। युवराज जी, आपसे जानना चाहूंगी, हर्बल इंडस्ट्री जैसा कि सर ने बताया कि उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, लोग आगे आ सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप भी इसमें अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हर्बल प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगर आपसे हम बात करें कि खास तौर पर आप मेक इन इंडिया में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं टोटली यहीं बनाए जाते हैं,
जो हमारी सोर्सिंग भी है वो हम कोशिश करते हैं इंडिया से ही हो जी। और जो इसका एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो तो मिलता ही है देश को, और इसके अलावा अब हम जैसे एक्सपोर्ट भी चालू कर रहे हैं हाँ जी। तो उससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और बाहर देश में ये पॉपुलैरिटी होगी कि इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट वहाँ पर जा रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व भर को पता चलेगा कि भारत में हर्बल प्रोडक्ट की एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड सब तक है और हम लोग उसे वहाँ तक पहुँचाएंगे भी। क्योंकि ये हर्बल कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक है मतलब ये हमारे स्किन पे और बॉडी पे इस्तेमाल होना है जी। तो बाहर की अगर कंट्री हम देखें तो जैसे यूरोप में देखें तो उन्होंने अपने एक अलग कोड बनाया हुआ है, मतलब वो अपनी कंट्री में उसको तभी इंपोर्ट अलाउ करेंगे उसका जबकि वो प्रोडक्ट उनके मापदंडों में खरा उतरे। जैसे कि सर ने बताया कि यूरोप में स्पेशली हमने 2008 में काम चालू किया था हाँ जी। तो वहाँ हमने जब प्रोडक्ट्स भेजने शुरू किए वहाँ पर कॉम्पोजिशन आपको डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर ही कि कितना परसेंट किसका कॉम्पोजिशन है। जैसे कि यहाँ आयुर्वेदिक में हम करते हैं तो उसके बाद वहाँ पर नॉर्म्स चेंज कर दिए कि अगर आप रीच, उनका एक है टेक्निकल रीच 2013 ये गाइडलाइंस आई थी, अगर इन गाइडलाइंस में आपका जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट होके क्लियर हो जाता है तो ही वहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो हम लोग ने करीब अपने जो 25-30 प्रोडक्ट हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर उनको रीच कंप्लायंट करके ही वहाँ पर अब एक्सपोर्ट हो रहा है। ब्यूटीफुल। तो ये एक बड़ी खास बात है क्योंकि मुझे लगता है कि हर्बल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ग्रुप हैं या ऐसे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपके एक्सपोर्ट हब में एक चक्कर लगा के आए थे, आप भी कुछ दिखाना चाहेंगे प्लीज़। चौबीस में एक स्पेशलिटी ये है कि प्रिजर्वेटिव, कलर और परफ्यूम, ये तीनों चीज 100% नेचुरल सोर्स से मिलता है। कस्टमर्स को ये अश्योर करना चाहती हूँ कि चौबीस के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, 100% सेफ हैं एंड टेस्टेड हैं। बिफोर आई सेल इट टू द मार्केट आई फील कि मुझे लगता है कि वो पहले मुझे अपने ऊपर चेक करने चाहिए। हम इसको ड्रग डिपार्टमेंट में हम अपना अप्रूवल लेते हैं तो हम उनको बताते हैं कि हमने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतना इतना परसेंटेज में हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और हम उसको फाइनली उतना ही मेक श्योर करते हैं कि उतना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा सबसे लास्ट स्टेप में क्यूसी डिपार्टमेंट होता है जो मेक श्योर करता है यहाँ पर भी प्रोडक्शन में भी कि जितना हमने दिया बोला हुआ है कस्टमर को देने के लिए क्या हम उतना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम अपनी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसके साथ कभी भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है इट इज़ 100% QC से चेक होकर आता है। हमारे सारे सप्लायर्स जो हैं वो सर्टिफाइड हैं। अभी जो भी हम फ्रांस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, श्रीलंका जाता है, हांगकॉन्ग जा रहा है एंड सम पार्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो भी हर पार्ट ऑफ यूरोप में अवेलेबल हो। हम सबसे पहले हम बैच लेते हैं, हम पहले उसको अपने एंड पे जब R&D करते हैं तो उसमें हमें जो डालना है, हमें जो कस्टमर को देना है हम वो डालते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना MRP रखते हैं। हमने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बनाया है, दे आर ना तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस्ड हैं और ना ही बहुत लो प्राइस्ड हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से जो इतनी इररेगुलर है एटलीस्ट वो अगर हमें पूरे तरीके से मिलती रहे तो हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो हम रिड्यूस कर सकेंगे। हमें कुछ ऐसी लैब का, ऐसा इंस्टीट्यूट का फैसिलिटी दें जहाँ हमारी कंपनी जो है वो जाके डिलीवर करे, उन बच्चों को स्किल करें और उसको रोजगार के लिए आगे बढ़ाने के लिए करें। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें बहुत हेल्प करता है। आई थिंक उन्हें थोड़ा और हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें थोड़ी सब्सिडीज देनी चाहिए कि हमारे लिए वो आसान हो। थोड़ा अगर हमें शिपिंग लॉजिस्टिक्स में हेल्प मिल जाए कि विद इजी एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट और द इंटरनेशनल मार्केट इटसेल्फ। तो क्या ये हो सकता है सर, सब्सिडीज थोड़ी और बढ़ाई जा सकती हैं और जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सेस है उसे और इजी किया जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो रहा है। देखिए मैं आपको जो बता रहा था जो हमारा सेकेंड पिलर है ना न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जी, उसका मतलब ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिलेगा। जैसे बिजली की बात थी तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे कि हमारा अब जो मोदी जी का इनिशिएटिव है कि बिजली सब जगह पहुंचेगी तो कंटिन्यूस पहुंचेगी, तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मेक इन इंडिया का जो सेकंड पिलर है वो यही है कि आपको जैसे शिपिंग में आपको आराम मिलेगा, पोर्ट ज्यादा बन रहे हैं
और ऑटोमेटिक बन रहे हैं, जिसमें कि आपके गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग बड़ी इजी हो जाएगी, आप कहीं भी माल भेजना चाहें भेज सकते हैं। तो वो जो हमारा इनिशिएटिव है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का, उससे सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सब्सिडी वाली बात से मैं पर्सनली इत्तेफाक नहीं रखता। व्हाई? मेरे को लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को या जो भी मैन्युफैक्चरर है, अब उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार सब्सिडी कहाँ से लाएगी? वो अल्टीमेटली तो हम ही लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है। आप या तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया तो उसके बाद सब्सिडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह बनाइए, अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, उसको ऐसा बनाइए जिससे कि लोएस्ट कॉस्ट में बन सके। और मेक इन इंडिया में जैसे हमारी पॉलिसी भी है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, आप जो प्रोडक्ट बनाएं वो अच्छी बनाएं, कम कीमत में बनाएं, और क्योंकि लेबर हमारे यहाँ सस्ती है तो जीरो डिफेक्ट हो, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि हिंदुस्तानी इस्तेमाल करे या बाहर का कोई मुल्क का आदमी इस्तेमाल करे उसे दिक्कत ना हो। जीरो इफेक्ट मतलब उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे भी ना पड़े, बिल्कुल, जिससे मेक इन इंडिया में सस्टेनेबल ग्रोथ हो। जी, आप लोग जो भी अकेडमी शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताएं, जिसका जिक्र अभी झा साहब ने भी किया। बेसिकली क्या है कि हमारे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2200 जनों की जरूरत पड़ती है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो उसमें ब्यूटी एडवाइजर्स भी हैं जो लड़कियां दुकान पे हमारा प्रोडक्ट बेचने में मदद करती हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो हमारे को हमेशा स्टाफ की, अच्छे स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया था कि एक अकेडमी चालू करें जिससे हम एजुकेशन तो इम्पार्ट करेंगे ही सोसाइटी में, उसके अलावा हम अपने आप को भी सपोर्ट कर लेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, एंड खास तौर पे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स? ये बहुत ही अच्छी है बात, क्योंकि एकेडमी की जो बात है ये भी हमारे सेकंड पिलर से ड्रॉ होती है, जिसमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इंस्टीट्यूशंस खोल रही है सरकार, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में, जिससे कि आपको वर्कफोर्स मिल सके। तो यही मेक इन इंडिया का एडवांटेज है कि हर दिशा में काम किया गया, जो चारों पिलर हैं वो लगभग 360 डिग्री में सब कुछ कवर करते हैं। युवराज जी, जो हम लोग अभी ये हर्बल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे आयाम खुले हुए हैं, आपने कॉस्मेटिक्स के एरिया को छुआ है, आगे फ्यूचर में आप लोग और क्या कुछ प्लान कर रहे हैं उसके बारे में आप जरूर हमें बताएं। बिल्कुल, इसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हम मार्केट को कैटर कर रहे हैं, फ्यूचर में जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं, होटल्स हैं, उनको हम कैटर करेंगे। एकेडमी की बात हुई, स्पाइन सलोन बहुत बढ़ती हुई मार्केट है ब्यूटी वेलनेस से एसोसिएटेड, तो हम स्पाइन सलोन में हमारी प्लानिंग है कि 15-20 प्रोडक्ट की एक अलग से रेंज बना के उसको मार्केट में लाया जाए, स्पेशली फॉर स्पाइन सलोन्स। ओके, तो ये प्लानिंग है, मैं 3-4 जो आइडियाज हैं दिमाग में, इनको हम अब ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स एग्जीक्यूट करेंगे। सुनील जी, जब हम लोग आयुर्वेदिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, आयुर्वेदा की बात करते हैं, मिनिस्ट्री का सपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, क्या हर्बल प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट करने के लिए कोई गवर्नमेंट की ऐसी संस्था, कोई मंत्रालय है जो हमें सपोर्ट कर सकता है? देखिए, ये इंडस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ओके, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ही जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, और उसके अंडर में जो भी स्टेट में जितने भी होते हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं जी। तो उन्हीं की एक गवर्निंग बॉडी बनी हुई है, तो उन्हीं की सपोर्ट मिलती है, और वही सब तय करते हैं कि किस में कितना कंपोजिशन होगा, कैसे होगा, वही लाइसेंस देते हैं, वही पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स सब सेटल करते हैं, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको पहले पता हो कि किस तरह की प्रोडक्ट ही वो सिर्फ बना सकता है मार्केट में देने से पहले। जी, फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद लेंगे वो सवाल जो आपने हम तक पहुंचाए हुए हैं। इन द मीनवाइल अगर आप अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8893120130। साथ ही आप मेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारी मेल आईडी है info@bigbusinessideas.in। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए, तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना? हाँ। मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझ कर भरोसा करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैफॉक्स, और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। हेता जी हैं हिमाचल से, आप कहते हैं कि आपने एक सर्विस टैक्स नंबर लिया था जिसे इन्होंने अब सरेंडर कर दिया है, तो इनको उसका रिफंड अब कैसे मिलेगा?
देखिए हिता जी, आपने सर्विस टैक्स नंबर सरेंडर बेशक कर दिया है, लेकिन वो जब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि आपका सेटल नहीं होगा अकाउंट। तो जब आपका जो रिफंड ड्यू है वो रिफंड बन जाएगा, उसके बाद ही आपका नंबर सरेंडर होगा। हेलो, मेरा नाम माधवी है और मैं भोपाल से हूँ। मेरी एक सोसाइटी है जो कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड है। मैंने अभी अभी एक पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS की है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। देखिए, ये तो आपने बहुत गलत किया कि आपने कोई भी पेमेंट की है और उस पर TDS नहीं काटा। तो आपको तुरंत TDS काटना चाहिए उस पर, और इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ जमा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्योंकि TDS नहीं काटा है तो ये जो भी एक्सपेंडिचर आपने किए हैं वो ये नहीं माना जाएगा कि उस एक्सपेंडिचर को आपने ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए खर्च किया है। आपने किया तो अपने ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए खर्चे किए होंगे, लेकिन माना ये जाएगा कि ये खर्चे आपने किए ही नहीं। ओके, तो वो प्रोविजन भी आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। जी युवराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जितने यंगस्टर्स आज हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खास तौर पे हर्बल इंडस्ट्री में अगर कोई आगे आना चाहता है, आप अपनी तरफ से उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को तो प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहता है तो उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ना देख के एक विजन अच्छी होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए जी। और उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट से पहले, जो भी वो जिस लाइन में भी जाए, चाहे वो हर्बल हो चाहे कोई और लाइन हो, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे, और अपने कस्टमर्स को और अपने साथ जो लोग जुड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचे वो दिमाग में रख के करना चाहिए जी। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि मुनाफा दूसरा स्थान रखता है, लेकिन सबसे पहले आपके कस्टमर्स आपके लिए स्थान रखते हैं, पहले उनके बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। हमारे पास आपके लिए कुछ खास है, बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आपका हमारे सभी उद्यमियों के लिए आज का बिजनेस मंत्र। क्योंकि हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते, आप अपनी क्रिएटिविटी को शो नहीं कर सकते जी, और आप अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई नहीं कर सकते, और वेल्थ आपके किसी काम की रहेगी नहीं। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें जी। तो सबसे पहले सेहत का ख्याल रखा जाए, उसके बाद किसी और चीज के बारे में सोचा जाए। युवराज जी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारा एक खास राउंड है शिल्पा भावना स्पेशल, और ये एक रैपिड फायर है, तो इसमें मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी उसके आपको बहुत जल्दी जल्दी से जवाब दे रहे हैं। तैयार है आप? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस पर रिसर्च और क्वालिटी चेक करना, या फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग पर जोर देना? रिसर्च और क्वालिटी चेक करना। आपको बताना है कि हर्बल कॉस्मेटिक सिर्फ महिलाओं की ही जरूरत है या पुरुषों की भी है? पुरुषों की भी है। हम जानना चाहेंगे कि आजकल, क्योंकि ये एक धारणा बनी हुई है कि ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्रीज में सिर्फ जो है महिलाएँ ही आगे आती हैं, आप इससे सहमत हैं या नहीं? नहीं। आपको लगता है कि पुरुष भी इस इंडस्ट्री में आगे आ सकते हैं? जी। और क्योंकि अब हम इसे वाइंड अप करने की ओर हैं अपने रैपिड फायर को, तो जाते जाते आपसे तीन ब्यूटी टिप्स तो जरूर लेना चाहेंगे, बिकॉज आप जिस इंडस्ट्रीज हैं वो सीधा सीधा स्किन केयर पर इफेक्ट करती है। देखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पिएंगे जी। सेकेंडली, सुबह और शाम अपना फेस वॉश करिएगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बाहर एनवायरनमेंट हमारा ऐसा नहीं है जी। और तीसरा, जो आप खा पी रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। चौथा एक मेरे पास भी है, जो भी इसके प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, तो हमारे पास बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए कुछ खास है। दोस्तों, ये सच है कि पहाड़ चढ़ने का सिर्फ एक ही उसूल है कि उस पर दौड़ कर नहीं, झुक कर चढ़ो। हमारा बिजनेस भी हमसे यही मांगता है कि बिजनेस की ऊंचाइयों पर तो चढ़ो, लेकिन झुक कर, क्योंकि झुकने वाला हमेशा पाता है। ऐसे ही कुछ और नुस्खों और बिजनेस लॉज की जानकारी के साथ अगली बार फिर होगी मुलाकात। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिग बिजनेस आइडियाज़।